जय साथियों, आज हम लोग पढ़ेंगे प्राचीन धार्मिक आंदोलन की सीरीज। प्राचीन इतिहास का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, यहाँ से सवाल परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, जहां पर हम देखेंगे कि भारत में छठी शताब्दी ईसा पूर्व में मध्य गंगा घाटी में अनेक धार्मिक संप्रदायों का उद्भव हुआ, जिसमें सबसे ज्यादा प्रमुख जैन धर्म और बौद्ध धर्म प्रमुख रूप से थे। इसके बाद छठी शताब्दी ईसा पूर्व के टॉपिक को पढ़ेंगे, जहां पे महाजन पर मगध साम्राज्य, लेकिन उसके पहले प्राचीन धार्मिक आंदोलन की सीरीज में जो जैन धर्म है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट परीक्षाओं में यह सवाल सीधे सीधे पूछ लिए जाते हैं, और हम प्रयास ही करेंगे कि सारे तथ्यों को पढ़ने और समझने का। जैनिज्म जैन के वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी को माना जाता है। जैन शब्द संस्कृत के जिन शब्द से बना है, जिसका मतलब विजेता होता है। जैन संस्थापकों को तीर्थंकर कहा जाता है, ये परीक्षा में पूछे जाते हैं। जैन परंपरा के अनुसार कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं, जिसमें पहले तीर्थंकर ऋषभदेव जी थे, पार्श्वनाथ 23वें जैन तीर्थंकर थे, जिनके अनुयायी निर्ग्रंथ कहलाए। 24वें कौन थे, कमेंट करके जवाब जरूर दीजिएगा, और हम प्रयास करेंगे उसी पर अपना पूरा सेशन लेने का। तो ये पीपीटी के माध्यम से हम लोग सेशन को पूरा पढ़ेंगे, ये नोट्स आपको क्लास खत्म होने के बाद टेलीग्राम पर भी मिल जाएगा, आपके सामने है। जैन धर्म भारत के तीन सबसे प्राचीन धर्मों में से एक था। जी हाँ, जैन धर्म भारत के तीन सबसे प्राचीन धर्मों में से एक है। यह सिखाता है कि आत्मज्ञान का मार्ग अहिंसा के माध्यम से है, और जितना संभव हो सके जीवित चीजों जैसे पौधे और जानवरों से को कम से कम नुकसान पहुंचाया जाए, माने जीवित जीवों को कम से कम नुकसान पहुंचाया जाए या पहुंचाने की बात है। आगे हम देखेंगे तीर्थंकर, अभी पर हम लोगों ने चर्चा किया तीर्थंकर के बारे में, तीर्थंकर क्या है। तो यदि हमारे मन में जैन में आता है, जैन में महान शिक्षकों को, जैन परंपरा में महान शिक्षकों को तीर्थंकर का, तीर्थंकरों का उत्तराधिकार क्या है, उत्तराधिकार है। उनके जो तीर्थंकर थे उनका यहां पर क्या था, उत्तराधिकार। जैन धर्म से जुड़े कुल 24 तीर्थंकर हुए, अभी मैंने बात किया जैन परंपरा के अनुसार कुल 24 तीर्थंकर हुए। अब यहां पर हम लोग ये देखेंगे कि तीर्थंकर संस्कृत शब्द से मिला है, और जिसका भार निर्माता या जिन सबसे बना है, जिसका मतलब विजेता होता है, क्योंकि उनकी शिक्षाओं में अंतहीन पुनर्जन्म और मृत्यु के सागर को पार किया जा सकता है। प्रत्येक तीर्थंकर एक प्रतीक चिन्ह के साथ जुड़ा है, जितने भी तीर्थंकर रहे हैं 2400 सभी एक प्रतीक चिन्ह के साथ जुड़े हैं, तो यह भी आपको जानना जरूरी है। तीर्थंकर और प्रतीक, तो यहां पर देखेंगे ये सेशन काफी बड़ा महत्वपूर्ण होता है, लेकिन आपके सामने आ गया है। सबसे पहले ऋषभनाथा माने ऋषभदेव जी थे, पहले तीर्थंकर थे, जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया ये पहले तीर्थंकर थे। इनका जो प्रतीक चिन्ह था बैल, ये परीक्षा में पूछ लिया जाता है और सभी के लिए इंपॉर्टेंट और अनिवार्य है। दूसरे अजीतनाथ, जिनका प्रतीक चिन्ह हाथी था, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तीसरे संभावनाथ, जिनका प्रतीक चिन्ह घोड़ा था। फिर आगे हम देखते हैं चौथा अभिनंदन नाथ, जिनका प्रतीक चिन्ह बंदर। सुमित नाथ, जिनकी पनमुर्गी। पद्म प्रभा, जिनका चिन्ह था लाल कमल। सातवा सुपार्श्वनाथ, जिनका प्रतीक चिन्ह स्वास्तिक। चंद्रप्रभा आठवें वर्धमान चंद्रमान, उनका था पुष्पदंत का डॉल्फिन। शीतलनाथ कल्पवृक्ष। श्यामनाथ गरुण। वासुपूज्य भैंस। विमल नाथ सुवर। अनंतनाथ भालू। धर्मनाथ वज्र देख पाएंगे। शांतिनाथ हिरण। कुंतुनाथ बकरी। अरनाथ मछली। 18 तीर्थंकर हो गए। फिर हम देखते हैं मल्लीनाथ कलश। मुनि सुव्रत का प्रतीक चिन्ह कछुआ।
नमीनाथ नीलाकमल और फिर जो 22वें अल्प नेम इनका शंख पूछा जाता है परसुना सर महावीर स्वामी से। तो शुरुआत के तीन और अंत के तीन कई बार आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी हो जाते हैं क्योंकि आज परीक्षा में सवाल आते हैं। अब हम सबसे पहले ऋषभनाथ के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले किसके बारे में? ऋषभनाथ के बारे में पढ़ेंगे कि यहाँ से परीक्षाओं में सवाल आते हैं और जब जहाँ सवाल आते हैं तो सारे तथ्यों को हमें पढ़ना जरूरी है और ये महत्वपूर्ण भी हो जाता है। ऋषभनाथ ऋषभदेव पहले थे धनकर थे। ऋषभदेव इक्ष्वाकु इन्होंने इक्ष्वाकु वंश की स्थापना की। उन्हें आदिनाथ आदिश्वर युगदेव और नभे सहित कई अन्य नामों से भी जाना जाता है। उनका जन्म अयोध्या में हुआ था। जन्म कहा हुआ था? अयोध्या में हुआ था। ऋषभदेव में भी उनके नाम का उल्लेख, सॉरी ऋग्वेद में भी उनके नाम का उल्लेख है। अगला अरिष्टनेमी, अरिष्टनेमी नेमिना भी इनका नाम था। इनके नाम का उल्लेख भी ऋग्वेद में मिलता है। माने ऋषभनाथ माने ऋषभदेव, नेमिनाथ अरिष्टनेमी इन दोनों का जिक्र भी फिलहाल इसमें ऋग्वेद में मिलता है। जिनका जन्म वाराणसी में हुआ था। वाराणसी कहां पर आपको ही पता है? भारत में। वह राजा अशोक इक्ष्वाकु वंश के पुत्र थे। उन्होंने 30 वर्ष की आयु में घर छोड़ दिया था और 83 दिनों तक कठोर तपस्या के बाद उन्हें कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। वे एकमात्र तीर्थंकर है जिन्होंने कलिका कल्पतरु या इस कली युग में कल्प वृक्ष की उपाधि प्राप्त की। ये परीक्षा में पूछ ले जाते हैं। ये सीरीज ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर फिर प्रदेश के स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और हो सके तो अपने पास सुरक्षित भी रख लीजिएगा। महावीर वर्धमान ये परीक्षा में खूब पूछा जाता है। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व कुंडग्राम वैशाली के पास जो कि वज्जी संघ का गणराज था के ज्ञात्रिक कुल में हुआ था। इनके बचपन का नाम वर्धमान, इनके पिता का नाम सिद्धार्थ, माता का नाम त्रिशला एवं पत्नी का नाम यशोदा था। यहाँ पर आप देख पाएंगे इसी चीज की आप जिक्र की गई इनका जन्म 540 ईसा पूर्व। देखिए इंपॉर्टेंट चीजें आपके सामने क्रमारूप से आएंगी। ये महावीर जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर थे। ये क्या चौथे नंबर पर थे? ये जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर यूं कर सकते हैं 24वें तीर्थंकर थे। 540 ईसा पूर्व बिहार के राजधानी जिले के कुंडग्राम में एक शाही क्षत्रिय जैन परिवार में हुआ, ज्ञात्रिक कुल में हुआ। इनके बचपन का नाम वर्धमान था। देख रहे हैं ज्ञात्रिक कबीले में या ज्ञात्रिक कुल में हुआ। उनके जन्म को महावीर जयंती के रूप में मनाया जाता है। उनके जन्म को महावीर जयंती के रूप में मनाया जाता है। उनकी माता त्रिशला लिच्छवी राजा चेतक की बहन तथा उनके पिता का नाम सिद्धार्थ जो क्षत्रिय कबीले के मुखिया। महावीर ने 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग कर तपस्या प्रारंभ की। महावीर की एक पुत्री जिसका नाम अनुजा प्रियदर्शिनी था। आगे हम देखेंगे कि 42 वर्ष की अवस्था में जुम्बिक ग्राम के पास ऋजुपालिका नदी के तट पे साल वृक्षों के नीचे कैवल्य सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर जिन विजेता अहर पूज्य और निर्ग्रंथ माने बंधनहीन कहलाए। जिन अहर निर्ग्रंथ, जिन का मतलब विजेता, अहर का मतलब पूज्य और निर्ग्रंथ का मतलब बंधनहीन कहलाए। सॉरी फिर हम लोगों ने देखा ये महावीर का छोटा सा परिचय हो गया। उनके बड़े भाई का नाम नंदीवर्धन था जिनका विवाह यशोदा से हुआ। उनकी एक बेटी अनुजा प्रियदर्शन था, अनुजा प्रियदर्शनी था। 30 वर्ष के काल में वे तपस्वी बन गए, गृह त्याग कर तपस्या शुरू कर दी और अपने बड़े भाई की अनुमति लेकर सत्य की खोज में अपना घर छोड़ दिया। सत्य की खोज में क्या किया उन्होंने? अपना घर छोड़ दिया। पाली साहित्य में उन्हें निगंट
नटपुत्र के नाम से जाना जाता है। ये परीक्षा उपयोगी इसकी रिसोर्ट कर सकते हैं। उन्होंने 42 साल की उम्र में साल के पेड़ के नीचे केवल उच्चतम आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त किया। मैंने बताया 42 वर्ष की अवस्था में जुम्बी ग्राम के पास ऋजुपालिका नदी के तट के पास साल वृक्ष के नीचे उन्हें केवल सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्त हुई। ये परीक्षा में पूछा जाता है। उन्हें महावीर जिन माने विजेता, अहर्त माने पूज्य, निर्गत माने बंधनहीन कहा है। यहाँ पे देखिए जिन विजेता, जितेंद्र अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाला, निर्गत सभी बंधनों से मुक्त, केवलिन कहलाता है। इन सबको क्या कहता है? केवलिन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? केवलिन कहा जाता है। उन्होंने अपने अनुयायियों को शिक्षा देने के लिए प्राकृत भाषा का प्रयोग किया। अपने अनुयायियों को शिक्षा देने के लिए किस भाषा का प्रयोग किया? प्राकृत भाषा का प्रयोग किया। ये परीक्षा में पूछे हैं तो किस भाषा का? अनुयायियों को शिक्षा देने के लिए प्राकृत भाषा का इस्तेमाल। उनके पहले शिष्य उनके दामा प्रियदर्शनी के पति जमीन, ये पूछा जाता है। आगे भी हम इस पर चर्चा करेंगे और हम चाहेंगे आप इसके स्क्रीनशॉट करते चलेगा जहां आपको जरूरत महसूस हो। उनकी पहली महिला शिष्य दधिवाहन चंपा के राजा की बेटी चंदना थी। उनकी पहली शिष्या कौन थी? दधिवाहन चंपा के राजा की बेटी चंदना थी। कौन थी? चंदना। यही परीक्षा में पूछी जाती है। और जैन धर्म की पहली नर भिक्षुणी भी थी, ये भी परीक्षा में पूछे जाते हैं। उन्होंने अपना पहला उपदेश पावा में दिया। उन्होंने पहला उपदेश कहां पे दिया? पावा में दिया। आप चाहें तो इसकी पूरी स्क्रीनशॉट अपने पास रख लीजिए, बाकी आपकी मर्जी। हम चाहेंगे कि आपके पास स्क्रीनशॉट रहेगा तो आपके काम आने वाला है। वैसे क्लास खत्म होने इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, तो जो लोग भी वीडियो को देखता है। और मेरी क्लास आप सभी को निःशुल्क देशित में राशि मिलती रहेगी और आगे भी क्रमारूप से मिलती रहेगी। 468 ईसा पूर्व उन्होंने 72 वर्ष की आयु में बिहार के पावापुरी में निर्वाण प्राप्त किया। क्या किया? 72 वर्ष की आयु में उन्होंने क्या किया? निर्वाण की प्राप्ति की। उन्होंने जैन धर्म के प्रचार के लिए 11 गणधरों की नियुक्ति, उन्होंने जैन धर्म के प्रचार के लिए क्या की? 11 गणधरों की नियुक्ति रखी। प्रत्येक गांधार का नेतृत्व एक मुखिया करता, प्रत्येक गांधार का जो नेतृत्व था वो कौन करता था? एक मुखिया करता था। आर्य सुधारमन था, जिसमें से एक आर्य सुधारमन, ये भी परीक्षा में पूछ ले जाते हैं। उनकी मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं का प्रसार किसने किया? आर्य सुधारमन ने किया। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। मत, जैन भगवान में विश्वास नहीं करते लेकिन वे आत्मा में विश्वास करते, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बाकी जब इसकी मैराथन पढ़ेंगे तो वहां पे क्लियर करेंगे जैन और बौद्ध धर्म में जब क्या अंतर थे, कई चीजें आपकी क्लियर होंगी। ध्यान रहे जो जैन धर्म है ये भगवान में विश्वास नहीं करते लेकिन आत्मा में विश्वास करते। इसने वर्ण व्यवस्था की निंदा नहीं की, जैन धर्म ने वर्ण व्यवस्था की निंदा नहीं की, बल्कि वर्ण व्यवस्था और अनुष्ठानिक वैदिक धर्म की बुराइयों को कम करने का प्रयास, क्योंकि जो बुराइयां थी उन्हें कम करने का प्रयास किया। महावीर के अनुसार एक व्यक्ति पिछले जन्म में पापों या पुण्यों के परिणाम के रूप में उच्च और निम्न वर्ण में पैदा। तो यहाँ पर यह स्पष्ट है, महावीर के अनुसार एक व्यक्ति पिछले जन्म में पापों या पुण्यों के परिणाम के रूप में उच्च या निम्न वर्ण में पैदा होता है। जैन धर्म की शिक्षा कहते हैं, अगर हम बात करें कि जैन धर्म की शिक्षाएं, छोटी सी अगर हेडिंग हम लें कि जैन धर्म की शिक्षाएं, अगर हेडिंग बना रहे हैं तो उसमें हम पढ़ेंगे संसार दुख मूलक है। संसार क्या है? दुख मूलक है। मनुष्य जरा माने वृद्धावस्था और मृत्यु से ग्रस्त है। मनुष्य जरा माने वृद्धावस्था और मृत्यु से ग्रस्त है, जिससे सांसारिक जीवन कितनाए व्यक्ति को घेर लेते हैं। सभी प्राणी अपने संचित कर्मों के अनुसार कर्म फल भोगते हैं। कर्म फल जन्म मृत्यु का कारण है, कर्म फल ही जन्म मृत्यु का कारण है। इसे छुटकारा पाकर ही व्यक्ति निर्वाण प्राप्त करता है। जैन धर्म पुनर्जन्म व कर्म कांड में विश्वास करता है, ये आप लोग को पढ़ना और जानना जरूरी।
या आत्मा के स्थानांतरण और कर्म के सिद्धांत में विश्वास करता है। यह मुख्य रूप से मुक्ति की प्राप्ति का लक्षण, इसकी मुक्ति की प्राप्ति का लक्षण, जिसके लिए किसी अनुष्ठान की आवश्यकता नहीं। इसके दर्शन का संबंध साख्य प्रणाली के दर्शन के साथ, यह भी परीक्षा में पूछे तीन रत्न परीक्षा में पूछे जाते। जैन धर्म में कैवल्य की प्राप्ति के लिए त्रिरत्न बनाए गए। कितने रत्न बनाए गए? त्रिरत्न बनाए गए। सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित आचरण। सम्यक ज्ञान माने वास्तविक ज्ञान, सम्यक दर्शन सत्व विश्वास, सम्यक चरित्र या सम्यक आचरण इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण, वही है सही विश्वास माने वास्तविक ज्ञान, सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञान, सही ज्ञान माने सम्यक ज्ञान, सही विश्वास माने सम्यक दर्शन, सही कर्म माने सम्यक चरित्र या सम्यक आचरण। तो इस तरह से आपको पढ़ना पड़ेगा। तो यहां पर हम लिख सकते हैं, यहां पर अगर सम्यक आपने लिख लिया तीन तीर लिख लेंगे, ज्ञान दर्शन और चरित्र, ज्ञान दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र, ये त्रिरत्न कहलाते हैं। केवल प्राप्ति के लिए त्रिरत्न बनाए। सम्यक ज्ञान वास्तविक ज्ञान है, सम्यक दर्शन सत्य में विश्वास है, सम्यक चरित्र आचरण इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण। जैन धर्म के पांच महाव्रत, जैन धर्म के पांच महाव्रत कौन कौन से? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। कितने हैं? पांच। इन पांच में जो ऊपर की चार है, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ये पार्श्वनाथ के समय से थे, लेकिन जो पांचवा ब्रह्मचर्य वो महावीर स्वामी ने जोड़ा था। किसने? महावीर स्वामी। पहला अहिंसा, जीव प्राणी को चोट न पहुंचाना, मन वचन कर्म से किसी के प्रति असंगत व्यवहार, हिंसा। सत्य, मनुष्य को हमेशा सत्य बोलना चाहिए, मतलब झूठ मत बोलो। अस्तेय, चोरी मत करो, चोरी न करना। अपरिग्रह, दूसरों के संपत्ति को ग्रहण न करना, संपत्ति का अधिग्रहण न करना, सभी पार्श्वनाथ द्वारा दिए गए। ऊपर के जो चार, एक दो तीन चार, ये पार्श्वनाथ के द्वारा दिए गए, लेकिन जो पांचवा है ब्रह्मचर्य, संयम का पालन करें, इंद्रियों पर संयम निग्रह रखना, ये किसने दिया? इसे महावीर स्वामी द्वारा जोड़ा गया। तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसकी स्क्रीनशॉट अपने पास रख लीजिएगा, क्योंकि यहां से भी सवाल आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। माने गृहस्थ जीवन में रहते हुए पंच अनुव्रत जैन धर्मावलंबियों का पालन करना अनिवार्य था। यही है क्या? जैन धर्म के पांच महाव्रत। अगला परिषद, परिषद में जाने से पहले हम लोग जैन दर्शन जानेंगे। जैन दर्शन क्या होता है? छोटी सी हेडी हम लोग बनाएंगे, जैन दर्शन। आज इसमें है लेकिन यहां हम लोग पढ़ लेते हैं। जैन दर्शन माने संसार जीव तथा अजीव से मिलकर बना है। संसार कैसे बना है? जीव और अजीव से मिलकर बना है, जिसमें जीव चेतन तत्व है और अजीवन अचेतन जड़ तत्व है। इसे हम जैन दर्शन कहते हैं। संथारा से लिखना हेडिंग आती है, मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, शायद आगे आपको मिले। या सलेखना, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे, लिखना जरूरी है, परीक्षा में सवाल। संथारा या सलेखना क्या, क्या कोई बता सकता है? जो लोग सेशन को हमारे साथ लाइव पढ़ रहे हैं, क्या कोई भी ऐसा साथी जिसमें बता सके ये क्या है?
कोई भी जो भी लोग पढ़ रहे हैं कमेंट करके बताइएगा, आप वीडियो को शेयर कर दीजिए, पैसे नहीं कटेंगे, लोगों तक पहुंच जाए। आप लोग शेयर नहीं करते, लाइक नहीं करते हैं, कर दीजिए। देखिए जैन दर्शन में उपवास के द्वारा शरीर को त्याग करना संलेखना कहलाता है। क्या कहलाता है? संलेखना। किसके द्वारा? जैन दर्शन में, जैन धर्म में उपवास के द्वारा, व्रत के द्वारा शरीर त्यागना संलेखना कहलाता है। श्वेतांबर इसे संधारा कहते हैं, दिगंबर इसे संलेखना कहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मतलब ये जो संधारा कौन कहता है, ये श्वेतांबर कहते हैं। कौन कहते हैं? श्वेतांबर क्या कहते हैं? संधारा कहते हैं। दिगंबर क्या कहते हैं? दिगंबर अथर्मा ये लगा दे। संलेखना कौन कहते हैं? दिगंबर कहते हैं। ये दोनों इंपॉर्टेंट है। संथारा संलेखना एक ही है कि व्रत के द्वारा, उपवास के द्वारा शरीर त्याग करना संथारा संलेखना कहलाता है। श्वेतांबर से संथारा कहते हैं, दिगंबर से संलेखना कहते हैं। माइनर अंतर है लेकिन परीक्षा में इंपॉर्टेंट है। मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त ने श्रवण बेल गोला इस पद्धति के द्वारा शरीर का त्याग किया। कहां पे? श्रवण बेल गोला में इस पद्धति के द्वारा शरीर का त्याग किया था। हम आज 2015 में राजस्थान के उच्च न्यायालय इस प्रथा को आत्महत्या करार देकर प्रतिबंधित कर दिया। 31 अगस्त 2015 को उच्चतम न्यायालय ने राजस्थान उच्च न्यायालय के इस निर्णय पर रोक लगा दी। 31 अगस्त 2015 को फिर सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान के उच्च जो यह निर्णय था उस पर रोक लगा दी। पुद्गल, पुद्गल मतलब मैटर, द्रव्य, पुद्गल काल आकाश धर्म अधर्म यह सभी जैन धर्म के आधार पर अजीव है। क्या है? अजीव। तो इसकी स्क्रीनशॉट ले लें ताकि हम लोग आगे चले। फिर हम देखते हैं कि परम जो तत्व है की व्याख्या के लिए सप्तभंग की कल्पना की गई, जिसे स्वादवाद या अनेकांतवाद भी कहा गया। चलते हैं सेशन को और आगे लेकर। यहाँ पे देखेंगे परिसर, प्रथम जैन संगति जो हुई थी वो कब हुई थी? 300 ईसा। क्या इस तरह के सवाल आपकी परीक्षाओं में आते हैं या पूछे जाते हैं? पहली जैन संगति कब हुई थी? 300 ईसा पूर्व में। कहां पर हुई थी? उस समय की पाटलिपुत्र आज के बिहार। अध्यक्ष कौन थे उस समय? स्थूलभद्र थे। अध्यक्ष कौन थे? स्थूलभद्र थे। विशेष विवरण क्या था? यहीं से जैन धर्म का श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदायों में विभाजन हुआ था। मतलब स्थान क्या था? पाटलिपुत्र बिहार, अध्यक्ष स्थूलभद्र। यहाँ पे 12 अंगों का संकलन हुआ था, संपादन हुआ था, लेकिन साथ ही साथ जैन धर्म का श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदाय में भी अलगाव। पहले जैन संगति जो 300 ईसा पूर्व में हुआ था स्थूलभद्र के समय, वो ये के समय अलग हुए थे। अब द्वितीय जैन संगति महासभा का समय 512 ईसा पूर्व, 512 ईसा, दोनों ईसा पूर्व में, वल्लभी गुजरात। उस समय अध्यक्ष कौन थे? देवर्दी क्षमा श्रमण। वल्लभी गुजरात, देवर्दी क्षमा श्रमण, निर्गमन, बारंगा का अंतिम संकलन। यहां पर क्या हुआ था? जैन साहित्यों का क्रमानुसार संकलन हुआ था। क्या हुआ था? जैन साहित्यों का क्रमानुसार संकलन हुआ था। द्वितीय जैन संगतियां, द्वितीय जैन महासभा जो 513 ईसा वल्लभी गुजरात तो देवार्दी या क्षमा श्रमण जो थे उनके अध्यक्ष थे। इस प्रकार हम लोगों ने देखा। आगे हम सिद्धांत की तरफ चलते हैं। ऊपर भी मैंने अनेकतावाद पे चर्चा किया था, शायद आपको भी याद हो।
अनेकांतवाद, सॉरी अनेकांतवाद पर मैंने भी अनेकांतवाद पे चर्चा किया था। अनेकांतवाद क्या था? परम तत्व की व्याख्या के लिए सप्तभंग की जो कल्पना की गई थी, जिसे स्यादवाद, इसे स्यादवाद भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? स्यादवाद कहते हैं। देखिए स्यादवाद है या अनेकांतवाद कहा गया, इस दोनों में क्या अंतर देखते हैं। अनेकांतवाद यह कई दृष्टिकोणों की स्वीकृति पर जोर देता है या इस समझ को बढ़ावा देता है कि अलग अलग व्यक्ति द्वारा उनके अद्वितीय दृष्टिकोण के कारण सत्य को अलग अलग तरीके से देखा जा सकता है। स्यादवाद क्या है? सभी निर्णय सशर्त होते हैं, केवल कुछ स्थितियों, परिस्थितियों या इंद्रियों में अच्छे होते हैं। इसका शाब्दिक अर्थ है कि विभिन्न संभावनाओं की जांच करने के लिए विधि, परिस्थिति संभावनाओं की जांच करने की विधि। जैन धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण शब्द, आइए जैन धर्म संबंधित महत्वपूर्ण शब्द को भी पढ़ते हैं और जानते हैं कि क्या क्या से शब्द हैं जो परीक्षाओं में आपके लिए उपयोगी है। असलो कर्मों का जीव की ओर निरंतर प्रभाव, फिर इसमें है संवर माने आत्मिक चेतना में भौतिक कर्मों के प्रवाह का रुक जाना। निर्जरा इंपॉर्टेंट है, आत्मा से संचित कर्मों को हटाना या दूर करना, मोक्ष मुक्ति प्राप्त करके संसार जन्म मृत्यु और पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त होने के लिए आवश्यक है निर्जरा। संलेखना या संथारा, ऊपर मैंने चर्चा किया, भोजन और तरल पदार्थों के सेवन को धीरे धीरे कम करके स्वेच्छा से उपवास करने की धार्मिक प्रथा मृत्यु की तरफ अग्रसर, उसे संथारा या संलेखना के, ऊपर मैंने इसके बारे में चर्चा की। जैन साहित्य क्या, जैन साहित्य को आप लोगों ने पढ़ा है, जाना है कहीं? बताइए, तब इस पर चर्चा करो और आगे लेकर चलो। चलिए फिलहाल हम कोशिश करेंगे कि इस पर चर्चा न हो और आगे बढ़े। जैन ग्रंथों की संरचना अर्थ मागधी प्राकृत भाषा में, जैन साहित्य में मुख्य रूप से 14 पूर्ण, 12 अंग और 12 उपांग और नियुक्ति शामिल है। ये परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट से नोट बना रहे हैं तो लिख लीजिए। जैन साहित्य को दो प्रमुख श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया, पहला आगम साहित्य, दूसरा गैर आगम साहित्य। आगम साहित्य और गैर आगम साहित्य 14 पूर्व, 12 अंग और 12 उपांग ये परीक्षा में पूछे जाते हैं। ग्रंथों को सामूहिक रूप से आगम जैन धर्म की पवित्र पुस्तकों के रूप में जाना जाता है। आगम साहित्य को भी दो भागों में बांटा गया है, अंग आगम, अंग बाह्य, ये दोनों इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अंग आगम क्या है? इन ग्रंथों में भगवान महावीर की प्रत्यक्ष उपदेश है, इनका संकलन गणधरों ने किया, सभी गणधरों के पास पूर्व पूर्ण ज्ञान केवल ज्ञान था। क्या था? केवल ज्ञान। अंग बाह्य पहला हो गया, अब दूसरा अंग बाह्य आगम, ये ग्रंथ अंग आगम के विस्तार, इसका संकलन श्रुत केवल ही ने किया था। कम से कम 10 पूर्वों का ज्ञान रखने वाले भिक्षु शुद्ध क्योंलिन कहलाते हैं या किलेन। 12वें अंग आगम को द्रविवाद कहा जाता है। अब स्क्रीन शॉट कर लीजिएगा क्योंकि परीक्षा में आजकल कूट वाले सवाल पूछे जा रहे हैं और नए सवालों का जो ट्रेंड है उसके हिसाब से ये पूरी आपकी सीरीज है जो परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी और अहम है। आगम साहित्य में हम देखें द्रविवाद में 14 पूर्व ग्रंथ है जिन्हें पूर्व या पूर्व आगम के नाम से जाना जाता है। अंग आगमों में पूर्वा सबसे पुराने पवित्र ग्रंथ थे, ये प्राकृत भाषा में लिखे गए। पाली का उपयोग थेरवाद परंपरा द्वारा किया,
गैर आगम साहित्य क्या थे? इसमें आगम साहित्य की व्याख्या और बड़े भिक्षुओं की भिक्षुणियों और विद्वानों द्वारा संकलित स्वतंत्र रचनाएं शामिल है। प्रबंध चिंतामणि प्रबंधों ऐतिहासिक जीवनी आख्यानों का एक भारतीय संस्कृत भाषा संग्रह प्रबंध चिंतामणि प्रबंध। इसे 1304 ईस्वी में जैन विद्वान मेरुतुंग द्वारा संकलित किया। इसके द्वारा मेरुतुंग द्वारा 1304 ईस्वी में कल्प सूत्र। ये कल्प सूत्र क्या है? क्या कोई जानता है कल्प सूत्र के बारे में? कल्प सूत्र भद्रबाहु द्वारा रचित एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। ये जैन पाठ जिसमें जैन तीर्थंकरों के विशेष रूप से पार्श्वनाथ और महावीर के जीवन शामिल है। अगला जो है परिशिष्ट पर्वण, जिसकी रचना हेमचंद्र सूरी ने की। हेमचंद्र सूरी द्वारा संस्कृत में लिखा है परिशिष्ट पर्वण। परिशिष्ट पर्वण जिसे अस्थाविरावली चरित्र के नाम से भी जानते हैं, जिसकी रचना हेमचंद्र सूरी ने की थी, संस्कृत में लिखा गया। जैन धर्म की संप्रदाय, जैन धर्म के दो प्रमुख संप्रदाय में बांटा गया, दिगंबर और श्वेतांबर। हम लोगों ने इन दोनों के बारे में ऊपर पढ़ा था, शायद आपको याद। दिगंबर ये नग्न है, ये दिगंबर जो है नग्न, इनका नेतृत्व भद्रबाहु ने किया था। वह जो श्वेतांबर है श्वेत वस्त्र धारण करते हैं, ये स्थूल बाहु के अनुयायी, और इनका जो अलगाव हुआ था, विभाजन हुआ था, वो पहले जैन संगति 300 ईसा पूर्व जो पाटलिपुत्र में हुआ था, जिसके अध्यक्ष स्थूल भद्र थे, उसकी समय हुआ था। स्थूल भद्र श्वेतांबर के अनुयायी थे और भद्रबाहु दिगंबर के। विभाजन मुख्य रूप से मगध में 12 साल के लंबे अकाल के कारण, इसमें मगध में 12 साल के लंबे अकाल के कारण होता, जिसने भद्रबाहु के नेतृत्व वाले एक समूह को दक्षिण भारत कर्नाटक में जाने के लिए मजबूर किया। जिसमें भद्रबाहु के नेतृत्व में जो दिगंबर जुन्नक में रहते थे, उन्हें दक्षिण भारत कर्नाटक में जाने के लिए मजबूर किया, जबकि स्थूल भद्र ने नेतृत्व में जत्था वही मगध में, मान स्थूल भद्र वही मगध में, यह विभाजन का कारण, यही क्या होता है विभाजन का अलगाव का कारण। स्थूल भद्र के शिष्यों को श्वेतांबर कहा जाता है, जबकि भद्रबाहु के शिष्यों को दिगंबर कहा जाता है। ऊपर के स्लाइड में मैंने इसकी चर्चा भी की और मैंने ऊपर आपको बताया। अब हम लोग फिर से दिगंबर को पढ़ते हैं, हो सकता है कुछ आपके काम में आ जाए। इस संप्रदाय के साधु पूर्ण नग्नता में विश्वास करते हैं दिगंबर में। पुरुष साधु कपड़े नहीं पहनते, जबकि महिला भिक्षु बिना सिले सादी सफेद साड़ी पहनती है, और उसका उनका मानना है कि मोक्ष प्राप्त नहीं, तो उनका मानना भी है ये मोक्ष प्राप्त नहीं। सभी पांच व्रतों सत्य अहिंसा सत्य परिग्रह और ब्रह्मचर्य का पालन भी किया जाता है दिगंबर। इसके द्वारा दिगंबर भद्रबाहु इस संप्रदाय के प्रतिपादक थे। भद्रबाहु क्या थे? संप्रदाय के प्रतिपादक। प्रमुख उप संप्रदाय मूल संघ भी विष्पंथ तेरापंथ तारणपंथ या समाज, ये इंपॉर्टेंट है, यहां से परीक्षा में सवाल आते हैं, इसकी स्क्रीनशॉट आप रख लीजिए। गौण उप संप्रदाय गुमान पंथ और तोप पंथ, इंपॉर्टेंट है। जैन धर्म के संप्रदाय दिगंबर और श्वेतांबर, ये देखिए दिगंबर है। अब देखिए दिगंबर है, अब बढ़ते हैं श्वेतांबर की तरफ। वे केवल चार व्रतों का पालन करते हैं, ब्रह्मचर्य को छोड़। श्वेतांबर के पे चार व्रतों का पालन करते हैं जो पार्श्वनाथ के थे, वे ब्रह्मचर्य का पालन है। वे पार्श्वनाथ के मार्ग का अनुसरण करते हैं, जो हमेशा सफेद वस्त्र पहनते हैं। उनका मानना है कि महिलाएं मोक्ष प्राप्त कर सकती है। स्थूल भद्र इस संप्रदाय के प्रतिपादक। प्रमुख उप संप्रदाय मूर्ति पूजा स्थान कवासी और तेरह। अभी देख लीजिए, लेकिन इसमें बहुत जी कपड़े महावीर स्वामी जी सफेद कपड़े पहने।
अन्य तत्व क्या है, आइए इस पर भी हम लोग ध्यान से देखेंगे, पढ़ेंगे और आप यहाँ पर लिख लीजिए। देखिए गोमतेश्वर जिला, गोमतेश्वर आपने पढ़ा होगा, गोमतेश्वर जिले, गोमतेश्वर जिसे बाहुबली कहा गया, किसे, गोमतेश्वर मैं लिख रहा हूं, गोमतेश्वर जिसे बाहुबली कहा गया, कर्नाटक के हासन जिले के श्रवण बेलगोला में स्थित है। इसे गंग नरेश मंत्री बामन राय ने बनवाया। बाहुबली जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव के पुत्र थे। यहां 12 वर्षों के बाद मूर्ति की विधि विधान से पूजा की जाती है, जिसे हम महामस्तकाभिषेक कहते हैं। यह प्रतिमा पत्थर को काटकर बनाई गई है, जो लगभग 17.5 मीटर बिना सहारे खड़ी है, विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा। लेकिन इस समय नर्मदा नदी पर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है, जो लोहा सीमेंट और कंक्रीट से बना है। यह मूर्ति सरदार वल्लभ भाई पटेल की गुजरात, उसके पहले 17 मीटर क्या थी, इनकी प्रतिमा थी, बिना साधे की सबसे बड़ी प्रतिमा थी। आइए देखते हैं कुछ और चीजें। भारतीय शासकों द्वारा जैन धर्म का जो प्रसार हुआ था उस पर हम बात करेंगे। संभवतः 5वीं और 4वीं शताब्दी से पूर्व का बर्ली शिलालेख राजस्थान से प्राप्त प्रारंभिक जैन शिलालेखों में से एक है। कुछ राजा जिन्होंने जैन धर्म का पालन किया, अमोघ वर्ष राष्ट्रकूट वंश के थे, पूर्व मध्यकालीन राष्ट्रकूट शासक गंग नरेश, गुजरात के चालुक्य और चंदेल शासकों ने जैन धर्म का संरक्षण किया। चंदेल शासक धंग ने खजुराहो और सोलंकी नरेश के मंत्री बिमल शाह ने दिलवाड़ा जैन मंदिर समूह का भी निर्माण कराया। जैन धर्म को राजकीय प्रशिक्षण देने वाले पहले शासक महापद्म नंद थे, जो नंद वंश के शासक। अशोक का पौत्र संप्रति जैन अनुयायी रहा। कलिंग के नरेश खारवेल ने उदयगिरी पहाड़ी पर जैन साधुओं के लिए एक गुफा का भी निर्माण कराया था। उदय हरे वंश का, चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश का, वनराज चावड़ा चावड़ा वंश के। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप चाहिए अपने पास लिख लीजिए। गंगा राजवंश के मंत्री, ऊपर मैंने भी बात किया, गंगा राजवंश के मंत्री और सेनापति को गोमतेश्वर प्रतिमा, गोमतेश्वर प्रतिमा के बारे में बताया ना, जिसे बाहुबली कहा गया, कर्नाटक के हासन जिले के श्रवण बेलगोला में, जिसे गंग नरेश मंत्री चामुंडराय ने बनवाया था। गंग राजवंश, बाहुबली की प्रतिमा 57 मीटर लंबी है। बाहुबली की 57 मीटर लंबी अखंड प्रतिमा ऋषभदेव के पुत्र के निर्माण के लिए नियुक्त किया गया था। गोमतेश्वर प्रतिमा 17.5 मीटर, एक बार देख लीजिएगा, पत्थर काट कर 17.5 मीटर बनाएंगे, इसकी एग्जैक्ट क्या होगा एक बार आप लोग भी देख लीजिए। तो इस प्रकार हम लोगों ने जैन धर्म को पूरा पढ़ लिया, और आप सभी का थैंक यू, वीडियो को शेयर करिएगा, जो लोग सेशन को पढ़ रहे हैं, जो लोग सेशन को देख रहे हैं। जैन धर्म जुड़ी सारे तत्वों को हमने क्लियर कर दिया, फिर भी अगर कोई प्रश्न कोई सवाल है तो इसकी प्रैक्टिस सेशन लेकर आएंगे, वहां पर उस टॉपिक को हम कवर करेंगे, जो हो सकता थ्योरी हमने आपको न बताया। आप लोग सभी साथी टेलीग्राम पर दुर्गीय सर सर्च करके दुर्गीय से जरूर जो लोग भी देखें, ताकि आपको सभी क्लास के लिंक पर नोटिफिकेशन मिलती रहे। क्लास पर नोट संबंध कोई भी जानकारी हो इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। यहाँ पे सभी नोट की जानकारी आपको एक ही जगह से मिल जाएगी, क्लास की जानकारी मिल जाएगी, और एनसीईआरटी की सभी नोट्स 6 से लेकर 12 तक हिंदी और अंग्रेजी दोनों मीडियम में ई लर्निंग दुर्गेश पर उपलब्ध। आप इन नंबरों पर कॉल या व्हाट्सएप करके उसकी भी जानकारी ले सकते हैं, या ई लर्निंग दुर्गेश ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो को लाइक नहीं करें तो लाइक करेगा, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलिए। और हम आपके सेशन को क्रमवार रूप से प्रत्येक लेकर आते रहेंगे, और ये सिलेबस क्या था, और हम प्रयास करेंगे कोई भी टॉपिक ना छूटे।
आप इसकी नोट्स भी ले सकते हैं जो माइंड मैप कॉन्सेप्ट पे तैयार हुआ है, ये भी आपको भी मिल जाएगा टेलीग्राम के माध्यम से। आप अपनी तैयारी को जारी रखिएगा क्योंकि रेस से घोड़े रेस में चलते खेत में, और आप एक रेस से घोड़े हैं और आपके रेस सिलेक्शन से। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद। वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, हाँ इंस्टाग्राम फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, मेरी भी आईडी इंस्टाग्राम पर है दुर्गेश जायसवाल सर, उसको भी फॉलो कर सकते हैं, वैसे गैलरी में दुर्गेश की भी आईडी है, उसको भी फॉलो कर सकते हैं। और एज ए गेस्ट के रूप में इस सेशन को मैं निःशुल्क आपको देने का, इसके माध्यम से प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप तक पहुँचाने का प्रयास करता हूँ, आगे भी जारी रखूंगा। थैंक यू। हाँ अगला जो स्लाइड होगा वो आपको इस वीडियो के बाद मिल जाएगा, ठीक है, थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।